ये क्या कर रहा है रे यहाँ पर? 8-8 बजे तक सोता रहता है, ये क्या गंदा गंदा हरकत कर रहा था रे? शर्म नाम का चीज है नहीं है, बाप बगल में बैठा है वहीं पर फालतू हरकत करते रहता है। शर्म तो आपको आना चाहिए, देख रहे हैं बगल में जवान बेटा सोया हुआ है और वहीं पे आके बैठ जाते हैं। कुछ मेरे बारे में सोचे रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। भाषण करते रहते हैं। हम भाषण करते रहते हैं, शादी का उम्र हो गया लेकिन फिर भी हमारे छाती पर बैठा है। हाँ तो करवाना दीजिए, हमरो मन करिए रहा है। 2-4 रुपया कमा के घर में लाएगा तब ना शादी करेंगे, 2-4 लफो दोस्त के साथ अड्डाबाजी करने से शादी हो जाएगा? 6 साल से नौकरी का तैयारी करवाई रहे हैं, पैसा का पैसा फूंक दिए, काउ खार लिया। वो 6 बजे का लड़के का देखो, तुम्हारे साथ ना पढ़ता था, 2 साल में नौकरी लिया कि नहीं लिया? सुने हैं दहेज में 20 लाख रुपये मिला है, 4 चक्का गाड़ी से घूम रहा है। पता नहीं भगवान कौन सा कलम से हमारा किस्मत लिखे हैं कि तेरे जैसा निकम्मा बच्चा पैदा लिया। हम भी तो कोशिश करिए रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा तो हम क्या करें, और दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। कहा पंडित जी, कल आप ही थे ना बाजार में, हाथ देख कर मंत्र से परीक्षा पास करने का उपाय बता रहे थे। कभी समय निकाल कर अपने बेटा पर भी ध्यान दीजिए, उसके कुंडली में कोई दोष है तो अपने तंत्र मंत्र विद्या से ठीक कीजिए, का झगड़ा झंझट करते रहते हैं। कहाँ है तुम चपला वाला? मार चप्पल के तुम्हारा कपारे फाड़ देते, हमको सिखाने आया है, आज धराता तक कल्याणे कर देते तुम्हारा, देहे फाड़ देते। आप एक बात बताइए, आप इतने बड़े पंडित हैं, अंतर्यामी हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, तो फिर आज क्यों भगवान को कोस रहे हैं? अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति आपसे पूछता है कि मैं बेरोजगार क्यों हूँ, तो आप बोलते हैं सुख शनि तुम पर हावी है, वहीं दूसरी तरफ मेरा नौकरी नहीं होता है तो आरक्षण का दोष देते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, ये कौन सा तरीका है? ज्यादा मत बोल, ये सब जो कर रहा हूँ तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। माना कि लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने पापी पेट के लिए ये सब कर रहा हूँ, कल को तुम्हारा नौकरी नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? क्या करेंगे, आपके तरह ही भगवान मंदिर के नाम पर दान दक्षिणा मांगकर अपना पेट भर लेंगे। पूरा का पूरा बेवकूफ हो तुम, माना कि ये हमारा खानदानी पेशा है लेकिन ये धंधा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये शूद्र अछूत लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, उनके पास ऐसा ऐसा तर्क संगत सवाल होता है जिसका जवाब देना मुश्किल होते जा रहा है। अभी अभी नऊ मंगरुआ सवाल करके गया है, क्या उसके सवाल का उत्तर है तुम्हारे पास? इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कहीं सेट हो जाओ। पहले शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसीलिए अपना धंधा बिंदास चल रहा था, पर कहां से बीच में अम्बेडकर आ गया, सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, उसके बाद जो हम लोग का लंका लगा है ना। लेकिन पिताजी, आज भी तो ज्यादातर लोग हमारी गुलामी कर रहे हैं। गुलामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, ज्योतिबा फूले, चौधरी महाराज सिंह भारती जैसे लोगों को आज भी उन्होंने नहीं पढ़ा है। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन हम सभी का खटिया खड़ी समझो। और सुनो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, ये पड़ोस में जो पीपल का पेड़ है वहां जाकर बिछा कर अच्छे से पढ़ाई करो, पीपल का जो पेड़ होता है ना उससे स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है, जाओ वहां पर पढ़ाई करो, बिल्कुल भी समय मत बर्बाद करो। ठीक, भागो भागो भागो, नहीं भागो भागो, नहीं भागो, अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ? भागो भागो भागो, अरे रुको पहले, तुम हुआ क्या बताओ? अरे भाई भागो भागो, वहाँ भूत है, भागो भागो भागो। भूत है? कहाँ भूत है? अरे वही पड़ोस वाले पीपल के पेड़ के पास, तुमको जाना है तो जा, हम जा रहे हैं। पिताजी हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि मरने के लिए? उन्हीं से पूछते हैं। कहा पिताजी, मरने का अच्छा उपाय बताए थे। राम 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 राम, शुभ शुभ बोला करो, क्या हुआ है? आप बोलते हैं जाओ वहाँ पीपल के पेड़ पर बैठ के पढ़ो, मन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे तो बड़ा राक्षस भूत रहता है। भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन का भ्रम है। जब ऐसा बात है तो पूरे गांव के लोगों में हलचल क्यों मचा हुआ है, सब इधर उधर भाग रहे हैं? ये अफवाह मैंने ही फैलाया है। आपने फैलाया है, पर ऐसा क्यों? ये तो हमारी खानदानी परंपरा है, समाज में समस्या पैदा करना और उस समस्या का समाधान के लिए लोगों से भरपूर दान दक्षिणा और पैसा इकट्ठा करना। अब देखना, इस समस्या के समाधान के लिए अब हम पंडितों को बुलाया जाएगा। इस समस्या को बुरी आत्मा काली शक्ति का नाम देंगे और बुरी आत्मा काली शक्ति के नाम पर हम एक बड़ा महायज्ञ करवाएंगे और वहाँ पे लोगों से, उन्हीं गांव के लोगों से दान दक्षिणा लेकर अपना पॉकेट गर्म करेंगे। उस पीपल के वृक्ष को शापित बताएंगे
ताकि यहाँ के कोई शूद्र और दलित उस पीपल के वृक्ष के पास न जा सके। पर पिताजी, वे लोग पीपल के पेड़ के पास जाकर ऐसा क्या कर लेंगे जो अब डर का माहौल बना रहे हैं? पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है। पीपल के वृक्ष जड़ से लेकर तना तक उसकी सारी पत्तियां औषधि से भरा हुआ है। अच्छा, अगर कोई मर जाता है तो पीपल के वृक्ष पर घन टंगवाना क्या यह भी हम लोगों का सोची समझी चाल है? सही पकड़े हो, पीपल का वृक्ष अपने आप में ऊर्जावान है। शीतलता होती है पीपल के वृक्ष के पास। गौतम बुद्ध ने अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए यही कारण था कि उन्होंने पीपल के वृक्ष को चुना था। एक गौतम बुद्ध के दर्शन और विचार के सामने हम लोग की ऐसी पोल खुलती है जैसे बिना नारा का पैंट। इसलिए बोलता हूँ कि अगर कोई और यहाँ का शूद्र और दलित पीपल के वृक्ष लग जाकर अगर ध्यान केंद्रित करके अगर गौतम बुद्ध बना तो सोचो हमारा क्या होगा। इसलिए बोलता हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करा करो और कहीं जाकर सेट हो जाओ।